हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल भरत स्टडीज़। आज इस चैनल पे हम लोग एसएससी सीएचएसएल 2021 के 4 अगस्त के सेकंड शिफ्ट के इंग्लिश के पेपर को सॉल्व करेंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, एक ईडियम है, टू गो रेड इन द फेस। ये ईडियम दिया हुआ है, इसका फ्रेंड्स हमें मीनिंग बताना है। तो टू गो रेड इन द फेस मतलब क्या होता है फ्रेंड्स? टू गो रेड इन द फेस का मतलब होता है शर्मिंदा महसूस करना। ऐसा फ्रेंड्स अब हमें देखना है कि किस ऑप्शन में ये मीनिंग दे रहा है। टू शर्ट एट समवन, ये तो रॉन्ग है। टू फील एम्बैरेस्ड, हमारा 20 क्वेश्चन का फ्रेंड्स राइट आंसर हो जाएगा, ये सब रॉन्ग है। बी इज़ द राइट आंसर। अब फ्रेंड्स हम लोग सॉल्व करेंगे सेकंड क्वेश्चन को। सेकंड क्वेश्चन में हमारा है, अगेन ईडियम दिया हुआ है, ही जॉक्स फेल फ्लैट ऑन द ऑडियंस। फेल फ्लैट अंडरलाइन क्या हुआ, इसका हमें मीनिंग बताना है। फेल फ्लैट मतलब क्या होता है फ्रेंड्स? असफल होना होता है, असफल होना। टू फेल इन समथिंग असफल होना है दादा। टू फेल फील डीपली टच्ड, ये तो रॉन्ग है, यहाँ फेल्ड वाला आ रहा है मीनिंग। तो हमारा क्या आंसर हो जाएगा, फेल टू हैव एन अफेक्ट, ये भी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ये सब रॉन्ग हो जाएगा। ये जॉक्स फेल्ड टू हैव एन अफेक्ट ऑन द ऑडियंस, बी इज द राइट आंसर। फ्रेंड्स हम लोग सॉल्व करेंगे थर्ड क्वेश्चन को। थर्ड क्वेश्चन में हमारा एक नरेशन का क्वेश्चन है, इसे हमें सॉल्व करना है। सी सेड टू हर फ्रेंड, विल यू टेक माई डॉग फॉर ए वॉक। ये जो है पास्ट सिंपल पास्ट टेंस में है, रिपोर्टेड सिंपल पास्ट टेंस में है। तो विल से स्टार्ट आस्क्ड हो जाएगा, रिपोर्टिंग वर्ब जो है सिंपल पास्ट टेंस में है। तो ये विल वुड में चेंज हो जाएगा, यहाँ विल है तो ये तो रॉन्ग हो जाएगा, यहाँ भी विल है ये रॉन्ग हो जाएगा। तो वुड में इसमें भी चेंज किया गया है, इसमें भी चेंज किया गया है। आस्क्ड के बाद टू नहीं लगता है, डी कैंसिल हो जाएगा, हमारा राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा फ्रेंड्स। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अब फ्रेंड्स हम लोग सॉल्व करेंगे फोर्थ क्वेश्चन को। फोर्थ क्वेश्चन में हमारा है, दिस ट्रेन इज डैश फॉर बिहार। तो उसमें हमें फिल करना है। बाउंड मतलब क्या होता है फ्रेंड्स? बंधा होना, मीन्स यह ट्रेन जो है बिहार के लिए एकदम बंधा हुआ है। तो गोइंग तो उतना सुटेबल नहीं है, रनिंग उतना सुटेबल नहीं है, इंटेंडिंग भी सुटेबल नहीं है। सबसे ज़्यादा सुटेबल फ्रेंड्स यहाँ पे बाउंड है। यह ट्रेन जो है बिहार के लिए बंधा हुआ है, मीन्स यह ट्रेन बिहार के लिए ही है। तो बी ए इज़ द राइट आंसर। फ्रेंड्स हम लोग सॉल्व करेंगे फिफ्थ क्वेश्चन को। फिफ्थ क्वेश्चन में हमारा है, हमें बताना है किस पार्ट में एरर है। वी वेयर क्वाइट इम्प्रेस्ड विद द एंथुसियाज्म दैट शी वर्क फॉर। फ्रेंड यहाँ पे जो है ये पास्ट टेंस में है, हमारा ये सब पार्ट जो है पास्ट टेंस में। वी वेर क्वाइट इम्प्रेस्ड, हम लोग बहुत ज़्यादा इम्प्रेस्ड हो गए हैं एंथुसियाज्म के साथ, उत्साह के साथ। दैट शी वर्कड फॉर, जो कि उसने ये वाला पार्ट में फ्रेंड्स हमें फिल करना है। तो यहाँ पे यहाँ सिंपल प्रेजेंट तो आएगा नहीं, वर्क नहीं आएगा, तो ये तो प्रेजेंट का तो नहीं आएगा। हमारा जो है ये यहाँ भी प्रेजेंट टेंस है, यहाँ भी है, तो हमारा पास्ट टेंस सिर्फ ऑप्शन बी में। तो बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, दैट सी वर्कड विथ आएगा आंसर, बी इज द राइट आंसर। अब फ्रेंड हम लोग सॉल्व करेंगे सिक्स क्वेश्चन को। पराजम्बल का क्वेश्चन है, हमें यह बताना है कि कौन सा राइट है। तो फ्रेंड्स जैसा कि फ्रेंड्स इसमें हम लोग देखें तो क्या ये ए से स्टार्ट होगा, ऑन द अदर एस तो स्टार्ट नहीं होगा, मीन्स ए डी बी सी तो कैंसिल हो जाएगा। ऑन द अदर दियर इज ए प्रिंसिपल ऑफ लीडरशिप, ये तो एस तो स्टार्ट नहीं होगा। उसके बाद फ्रेंड्स हम लोग बी से चेक करें, डेमोक्रेसी मीन्स ये आप देख रहे हैं, डेमोक्रेसी रेस्ट ऑन ए टेंशन बिटवीन टू डिफरेंट प्रिंसिपल्स डी। ऑन द वन हैंड देयर इज द प्रिंसिपल ऑफ इक्वालिटी बिफोर द लॉ और मोर जनरली इक्वालिटी ए। ऑन द अदर देयर इज प्रिंसिपल ऑफ लीडरशिप, उसके बाद सी
सी व्हाइल द फर्स्ट गिव्स द प्रायोरिटी टू रूल्स द सेकंड गिव्स द इम्पोर्टेंस टू पर्संस। तो हमारा फ्रेंड्स राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, ये जो है मीनिंगफुल बना रहा है। अब फ्रेंड्स हम लोग सॉल्व करेंगे सेवन्थ क्वेश्चन को। सेवन्थ क्वेश्चन में हमारा है अ पर्सन फॉर्मली रिक्वेस्ट समथिंग स्पेशली अ जॉब। एक ऐसा व्यक्ति जो कि क्या करता है स्पेशली मुख्यतः वह जॉब के लिए मतलब रिक्वेस्ट करता है, अनुरोध करता है, तो उसको क्या बोलते हैं फ्रेंड्स, उसको बोलते हैं एप्लीकेंट। इस क्वेश्चन का राइट आंसर फ्रेंड्स एप्लीकेंट हो जाएगा। रेस्ट मीनिंग जो ट्रेनिंग के लिए जो ट्रेनिंग करना चाहता है तो उसको ट्रेनिंग बोलते हैं। कंटेस्टेंट जो किसी प्रतियोगिता में भाग लेता है। नॉमिनी मतलब वह नामांकित व्यक्ति जो नामांकन देता है अपना, नामांकित व्यक्ति नॉमिनी में नाम दिया जाता है फ्रेंड्स, लोग जानते हैं इसलिए तो नॉर्मल सिंपल सा वर्ड है। अब लोग फ्रेंड्स सॉल्व करेंगे एट नंबर के क्वेश्चन को। एट नंबर में क्वेश्चन है कंटिन्यूइंग फॉर ए लॉन्ग टाइम, ऐसा कोई चीज़ जो बहुत समय बहुत लंबे समय के लिए कंटिन्यू है मतलब चल रहा है, तो वैसा चीज़ को हम क्या बोलेंगे फ्रेंड, वैसे चीज़ों को हम प्रोलॉन्ग्ड कहेंगे, जो लंबे समय के लिए चले उसको प्रोलॉन्ग्ड कहेंगे। लॉन्ग मतलब लंबा, यहाँ लॉन्ग है ये रूट, ये वर्ड से भी हम पता कर सकते थे। और फ्रेंड्स हम लोग रेस्ट वर्ड का मीनिंग जान लेते हैं, जैसा कि यहाँ पे प्रोफाउंड है। प्रोफाउंड मतलब क्या होता है, प्रोफाउंड मतलब फ्रेंड होता है गहराई, गहराई या समुद्र भी बोल सकते हैं। गहरा कौन होता है, समुद्र ही होता है। सेकंड फ्रेंड्स प्रोजेक्ट, तो प्रोजेक्ट हम लोग स्कूल में प्रोजेक्ट बनाते हैं वो तो हम लोग जानते ही हैं। इनफाइनाइट क्या होता है, इनफाइनाइट वह अनंत जिसका कोई अंत ना हो उसको हम इनफाइनाइट बोलेंगे। और फ्रेंड हम लोग सॉल्व करेंगे नाइन्थ नंबर के क्वेश्चन को। नाइन्थ नंबर में हमारा क्वेश्चन है किस पार्ट में रह रही है हमें बताना है। ऑल आवर फर्नीचर्स वेयर स्पॉइल्ड इन द रिसेंट रेंस एंड फ्लड्स। तो किस पार्ट में रह रहा फ्रेंड्स हमें यह बताना है। जैसा कि फ्रेंड्स यहाँ पर हम देख रहे हैं फर्नीचर में एस लगाया हुआ है। फर्नीचर एक ऐसा वर्ड है, फर्नीचर क्या है फ्रेंड्स, फर्नीचर है हमारा किस टाइप का नाउन है, काउंटेबल है कि अनकाउंटेबल है। फर्नीचर हमारा जो है अनकाउंटेबल नाउन है। तो इसको अगर हम गिन ही नहीं सकते तो इसमें हम एस कैसे लगाएंगे, मीन्स इसमें एस नहीं लग सकता है। ये एस अगर लगाएंगे तो ये रॉन्ग हो जाएगा, ये फर्नीचर में यहाँ एस लगाया है ये रॉन्ग है। फर्नीचर को हम गिन ही नहीं सकते इसलिए इसको अनकाउंटेबल नाउन के कैटेगरी में रखा गया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। फर्नीचर के बाद फ्रेंड्स वो आ जाएगा और इसमें एस नहीं लगेगा, ये हमारा राइट आंसर होगा इसका। ऑल आवर फर्नीचर वाज स्पॉइल्ड इन द रिसेंट रेंस एंड फ्लड्स, ये हमारा राइट है, ये इज द राइट आंसर। अब लोग फ्रेंड सॉल्व करेंगे टेंथ क्वेश्चन को। टेंथ क्वेश्चन में हमारा है विजडम, इसका हमें क्या बताना है, एंटोनिम बताना है। विजडम मतलब क्या होता है फ्रेंड्स, बुद्धिमान होता है। तो बुद्धिमानता उसका फ्रेंड्स अपोजिट क्या हो जाएगा, स्टूपिडिटी मतलब मूर्खता, तो इसका जस्ट उल्टा फ्रेंड्स ये हो जाएगा ए। तो ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। रेस्ट वर्ड्स का भी फ्रेंड्स हम लोग मीनिंग जान लेते हैं। यूथ मतलब युवा होता है। स्टेबिलिटी मतलब क्या होता है, जो स्टेबल है मीन्स अस्थिर है वो स्टेबल। मैच्योरिटी परिपक्वता, जो बहुत बड़ा हो गया है उसको बोलते हैं परिपक्वता। उसका फ्रेंड्स कॉम्प्लाई का मतलब क्या होता है फ्रेंड्स, कॉम्प्लाई मतलब क्या होता है, कॉम्प्लाई मतलब होता है पालन करना। तो इसका हमें क्या बताना है, सैनोनिम। ओबे मतलब क्या होता है फ्रेंड्स, ओबे मतलब ये होता है पालन करना। तो इस क्वेश्चन का भी राइट आंसर हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा। रेस्ट वर्ड का फ्रेंड्स हम लोग मीनिंग जान लेते हैं। एडोर मतलब होता है पूजा करना या रेस्पेक्ट देना किसी को, पूजा करना। डिक्लाइन मतलब क्या होता है, पतन होता है, किसी चीज़ का गिर जाना। डिनाय मतलब क्या होता है फ्रेंड्स, डिनाय मतलब होता है मना करना। अब फ्रेंड्स हम लोग सॉल्व करेंगे ट्वेल्थ नंबर के क्वेश्चन को। ट्वेल्थ नंबर में हमारा है इनकरेक्ट, कौन सा स्पेलिंग रॉन्ग है ये हमें बताना है। फीचर का स्पेलिंग सही है,
टॉर्चेज का भी राइट है, सेक्रीफाइस का भी राइट है, हाईलाइट का फ्रेंड्स स्पेलिंग रॉन्ग है, तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, हाईलाइट हो जाएगा। तो हाईलाइट हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अब फ्रेंड्स हम लोग हाईलाइट के स्पेलिंग देख लेते हैं, एच आई जी एच एल आई जी एच टी आएगा, यहाँ पे एल आई टी लाइट में एल आई टी लिखा हुआ था तो इसका प्लेस में क्या आएगा, एल आई जी एच टी होगा। तो हाईलाइट मतलब क्या होता है फ्रेंड्स, विशिष्ट रूप से किसी चीज़ को दिखाना, विशिष्ट रूप से दर्शाना किसी चीज़ को। जैसे कि हम लोग फ्रेंड हाईलाइटर यूज करते हैं बुक में, जैसे हाईलाइट करते हैं सेंटेंस को कोई, जैसे बुक में हम लोग कोई चीज़ को हाईलाइट करते हैं हाईलाइटर से, विशिष्ट रूप से दर्शाना, तो इसका डी आंसर होगा हाईलाइट, एल आई जी एस टी। अब फ्रेंड हम लोग सॉल्व करेंगे फीचर का मतलब क्या होता है, जैसा कि विशेषता होता है फ्रेंड्स, फीचर मतलब क्या होता है, विशेषता होता है, जैसा कि कोई मोबाइल फ़ोन का विशेषता होता है। सेक्रीफाइस मतलब बलिदान देना, टॉर्च मतलब, तो टॉर्च तो हम लोग जानते हैं जो यूज़ करते हैं टॉर्च लाइट जलाने के लिए। अब फ्रेंड्स हम लोग सॉल्व करेंगे, किस आई प्रैक्टिस्ड फॉर द डिबेट दैट वाई आई एम लेट, आई प्रैक्टिस्ड मैंने डिबेट के लिए प्रैक्टिस किया इसलिए मैं लेट हूँ। फ्रेंड्स आधा जो पार्ट है मेरा किस में है, इसका हाफ पार्ट हमारा है सिंपल सॉरी प्रजेंट टेंस में है, और इस साइड हमें कौन सा टेंस का यूज होगा ये हमें बताना है, मीन्स यहाँ पर प्रैक्टिस्ड फोर के प्लस पर क्या आएगा फ्रेंड्स, ये हमें बताना है, इसको अंडरलाइन किया हुआ है प्रैक्टिस्ड फोर को, इसके प्लस पर क्या आएगा ये हमें बताना है, नो सब्स्टिट्यूशन तो नहीं आएगा। आई एम प्रैक्टिसिंग फोर, मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ डिबेट के लिए इसलिए मैं लेट हूँ, तो ये तो नहीं आएगा। इधर है मेरा हाफ पार्ट है मेरा प्रेजेंट टेंस, इस साइड भी प्रेजेंट टेंस, ये हमारा रॉन्ग स्ट्रक्चर है, मीनिंगफुल नहीं बना रहा है। आई वॉज प्रैक्टिसिंग फोर, ये हमारा राइट स्ट्रक्चर है। आई वॉज प्रैक्टिसिंग फॉर द डिबेट, मैं डिबेट के लिए प्रैक्टिस कर रहा था इसलिए मैं लेट हूँ। फ्रेंड्स सी जो हमारा मीनिंगफुल बना रहा है, सी हमारा मीनिंगफुल बना रहा था, इसलिए सी हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अब फ्रेंड्स हम लोग सॉल्व करेंगे, फोर्टीन क्वेश्चन में हमारा है डर्थ, डर्थ का हमें क्या बताना है सैनोनिम बताना है। डर्थ मतलब क्या होता है फ्रेंड्स, कमी होता है। अब देखते हैं कौन सा मीनिंग देता है कमी, डेथ, डेथ मतलब मृत्यु, ये तो नहीं होगा। वीकनेस मतलब क्या होता है फ्रेंड्स, वीकनेस मतलब होता है कमजोरी होता है। लीकेज मतलब जैसे पानी लीकेज करता है, कोई बकेट सब लीक करता है वो हुआ लीकेज। शॉर्टेज मतलब क्या होता है फ्रेंड्स, शॉर्टेज मतलब होता है कमी। तो सैनोनिम बताना था, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी शॉर्टेज। अब फ्रेंड्स हम लोग सॉल्व करेंगे 15th क्वेश्चन को, 15th क्वेश्चन में हमारा है वायर्ड का हमें क्या बताना है, एंटोनिम बताना है। वायर्ड मतलब क्या होता है फ्रेंड्स, वायर्ड मतलब होता है अजीबो गरीब, इसका मतलब एबनॉर्मल होता है, कोई चीज़ जो कि नॉर्मल ना हो उसको हम क्या बोलते हैं, अजीब बोलते हैं, मतलब वायर्ड बोलते हैं इसका। फ्रेंड्स अपेरेंट मतलब क्या होता है, स्पष्ट होता है, साफ या स्पष्ट, ये तो नहीं होगा इसका एंटोनिम। नॉर्मल, यस फ्रेंड्स, एबनॉर्मल का अपोजिट नॉर्मल होता है, मीन्स वायर्ड मतलब होता है एबनॉर्मल, तो इसका अपोजिट क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा, तो बी इज़ द राइट आंसर फ्रेंड्स। रेस्ट वर्ड का फ्रेंड हम लोग मीनिंग देख लेते हैं, एबनॉर्मल तो सिंपल सा वर्ड है हम लोग जानते हैं, वाइड मतलब चौड़ा होता है। अब फ्रेंड्स हम लोग सॉल्व करेंगे 16th क्वेश्चन को, 16th क्वेश्चन में हमारा है एक फिलर्स का क्वेश्चन है, इसमें क्या फिल करेंगे ये हमें बताना है। इफ द टेस्ट बुकलेट सील इज ब्रोकन और डैश विथ ब्रिंग इट इमीडिएटली टू द नोटिस ऑफ द इन्विजिलेटर, अगर टेस्ट बुकलेट सील जो है वो तोड़ दिया गया है तो
और डैश कर दिया गया है विथ ब्रिंग इंटरमीडिएटर टू द नोटिस ऑफ द इन्वेजिलेटर, तो उसे लाएँ जल्दी ही लाएँ उसे इन्वेजिलेटर के कॉन्टैक्ट में, वो मतलब इन्वेजिलेटर को नोटिस कर दें। तो एडजस्टेड, एडजस्टेड तो नहीं है राइट वर्ड, ओपेंड इफ द टेस्ट बुक इज ब्रोकन, और ये भी नहीं होगा टैपर्ड। यस फ्रेंड्स, टैपर्ड यहाँ पे विथ यूज किया गया फ्रेंड्स, टैपर्ड विथ जो है एक फ्रेजल वर्ब है, टैपर टैपर्ड विथ टैपर्ड विथ, इसका मीनिंग क्या होता है, टैपर्ड विथ का मीनिंग होता है बदलना, बदलना या फिर क्या बोलते हैं छूना जिससे नुकसान हो, बदलना या छूना, बदलना या छूना जिससे कोई नुकसान हो, मीन्स नेगेटिव सेंस में यूज होता है। इफ़ द टेस्ट बुकलेट सील इज ब्रोकन और टैपर्ड विथ, या विथ था इससे हम लोग समझ गए कि टैपर्ड यूज होगा, और टैपर्ड विथ ब्रिंग इट इमीडिएटली टू द नोटिस ऑफ द इन्विजिलेटर, अगर टेस्ट बुकलेट सील जो है वह टूट गया या फिर उसे बदला गया या फिर छुया गया और नुकसान हो गया, तो उसको जल्द ही किसके कॉन्टैक्ट में लाएँ, किसको जल्दी से नोटिस करें, इन्विजिलेटर को नोटिस करें। तो हमारा सी इस क्वेश्चन का फ्रेंड्स, सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अब फ्रेंड्स हम लोग सॉल्व करेंगे 17th क्वेश्चन को। 17th क्वेश्चन में हमारा है, एज सुन एज द बस ड्राइवर वॉज सीइंग द चाइल्ड क्रॉसिंग द रोड ही अप्लाइड द ब्रेक्स, क्यों ही बस ड्राइवर ने बच्चा को देख, यहाँ पर वॉज सीइंग है फ्रेंड्स, वॉज सीइंग देख रहा था कि वो जो है रोड को क्रॉस कर रहा था वो बच्चा, क्यों ही उसने क्या किया, ब्रेक अप्लाई किया मीन्स ब्रेक लगाया। तो यहाँ फ्रेंड्स वॉज सीइंग देख रहा था, ये जो है देखना जो है फ्रेंड्स ये कैसा वर्ड जिसको हम कंटिन्यूस टेंस में यूज़ नहीं कर सकते, ना ही पास्ट कंटिन्यूस में, ना ही प्रेजेंट कंटिन्यूस में। यहाँ फ्रेंड्स हमारा जो राइट होगा एज सुन एज द, इसमें तो एरर नहीं है, वॉज सीइंग फ्रेंड्स एरर है, बी पार्ट में एरर है। तो यहाँ पर क्या आएगा, ड्राइवर के बाद आएगा वॉज सीइंग के प्लेस पे आएगा सॉ, एज सुन एज द बस ड्राइवर सॉ द चाइल्ड क्रॉसिंग द रोड ही अप्लाइड द ब्रेक्स, जो ही बस ड्राइवर ने उस बच्चे को देखा कि वो रोड क्रॉस कर रहा था, क्यों ही उसने क्या किया, ब्रेक लगाया। तो यहाँ पे वॉज सीइंग द चाइल्ड के प्लेस पे सॉ द चाइल्ड आएगा, मीन्स सिंपल पास्ट टेंस आएगा, सिंपल पास्ट इधर इस पार्ट में सिंपल पास्ट टेंस, तो इस पार्ट में भी क्या है, सब्जेक्ट प्लस V2 है, इस साइड भी सिंपल पास्ट टेंस, यही स्ट्रक्चर यहाँ पे फॉलो होगा। अब फ्रेंड्स हम लोग सॉल्व करेंगे 18th क्वेश्चन को। 18th नंबर में हमारा क्वेश्चन है, चार ऑप्शंस दिया हुआ, चलिए फ्रेंड्स को हम ऑप्शन से सॉल्व करते हैं। पहला ऑप्शन है ADCB, ऑन कमिंग आउट हिज स्किन वुड बी शाइनिंग लाइक इबोनी एंड ही वुड स्क्वेल विथ प्लेजर्स, ए, उसके बाद बी, उसके बाद डी, देखें तो डी, आफ्टर दैट ये तो नहीं आएगा, डी ए बी सी को चेक करें, आफ्टर दैट पहला में ही डी, आफ्टर दैट तो नहीं आएगा, बी ए डी सी चेक करें, फर्स्ट ये तो नहीं आएगा, सी बी डी ए चेक करें, एवरीडे आई यूज टू टेक द बेबी एलिफेंट टू द रिवर फॉर हिज बाथ, फॉर हिज बाथ, सी के बाद बी, फर्स्ट ही वुड लाई डाउन ऑन द सैंड बैंक व्हाइल आई रब्ड हिम क्लीन विद द सैंड ऑफ द रिवर, आफ्टर दैट ही वुड लाई इन द वाटर फॉर ए लॉन्ग टाइम, ऑन कमिंग आउट हिज स्किन वुड बी शाइनिंग लाइक ही बोनी एंड ही वुड स्क्वेल विद प्लेजर। फ्रेंड इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो हो जाएगा वो हमारा डी हो जाएगा, डी हमारा जो है इस पैराग्राफ को मीनिंगफुल बना रहा है। अब फ्रेंड हम लोग सॉल्व करेंगे 19th क्वेश्चन को। 19th क्वेश्चन में हमारा है, एक वॉइस का क्वेश्चन है, ये सेंटेंस है, इसका क्या होगा वॉइस में, पैसिव वॉइस में, ये हमें बताना है। यहाँ पर ऑब्जेक्ट क्या है फ्रेंड्स, डिजाइनर्स क्लॉथ्स वेयर सोल्ड टू द मासेस बाय पैरी
कार्डिन, तो ये हमारा सब्जेक्ट बन जाएगा पेरिकार्डिन। पेरिकार्डिन हमारा इसमें तो नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें है पेरिकार्डिन सॉल्ट डिजाइनर क्लॉथ टू द मासेस। यहाँ हेड सॉल्व क्या, ये तो नहीं होगा, हेड तो नहीं आएगा। इस क्वेश्चन का फ्रेंड्स राइट आंसर हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा। अब फ्रेंड हम लोग सॉल्व करेंगे 20th क्वेश्चन को, कौन सा स्पेलिंग रॉन्ग है ये हमें बताना है 20th क्वेश्चन में। तो एकोमोडेट, एकोमोडेट का फ्रेंड्स स्पेलिंग रॉन्ग है यहाँ पे। एकोमोडेट का स्पेलिंग क्या होता है, ए डबल सी ओ। यहाँ फ्रेंड्स एक एम दे रखा है, यहाँ पे क्या आएगा, डबल एम आएगा, ए डबल सी ओ डबल एम। उसके बाद ओ डी ए टी ई, एकोमोडेट। एकोमोडेट मतलब क्या होता है फ्रेंड्स, एकोमोडेट मतलब होता है जगह देना, ये जगह होना, ये होता है फ्रेंड्स। एनीहिलेट का फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो होगा फ्रेंड्स ऑप्शन ए होगा। रेस्ट ऑप्शंस का हम लोग मीनिंग जान लेते हैं। एनीहिलेट मतलब होता है क्या होता है, बर्बाद करना। एप्रोप्रिएट मतलब क्या होता है फ्रेंड्स, एप्रोप्रिएट मतलब होता है उचित। एक्सेलरेट मतलब क्या होता है, जैसे फ्रेंड्स बाइक में एक्सेलरेटर रहता है, मीन्स गति बढ़ाना का सेंस में यूज करते हैं हम लोग। रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन, फिजिक्स में हमने ये भी पढ़ा है। उसके बाद फ्रेंड्स हम लोग सॉल्व करेंगे 21st क्वेश्चन को। 21st क्वेश्चन में हमारा है स्किल सेट वाज फाउंडेड इन 2014 टू कलेक्ट एंड कोऑर्डिनेट डैश अबाउट एजुकेशनल एक्सेस एंड क्वालिटी फॉर स्टूडेंट्स विथ स्पेशल नीड्स एंड डिसेबिलिटीज। स्किल सेट जो है फ्रेंड्स इसको फाउंड किया गया, स्थापित किया गया 2014 में, क्यों, क्या चीज़ के लिए, टू कलेक्ट एंड कोऑर्डिनेट डैश अबाउट एजुकेशनल एक्सेस जो था, और क्वालिटी फॉर स्टूडेंट्स विथ स्पेशल नीड्स एंड डिसेबिलिटीज। एजुकेशनल वाज एस्टैब्लिश टू कलेक्ट एंड कोऑर्डिनेट, क्या चीज़ कलेक्ट करने के लिए और क्या चीज़ कोऑर्डिनेट करने के लिए, फंडिंग तो नहीं होगा, एडमिशंस ये भी नहीं होगा। तो कलेक्ट क्या चीज़ का करेंगे फ्रेंड, हम इन्फॉर्मेशन को हम लोग कलेक्ट करेंगे और कोऑर्डिनेट करेंगे। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हमारा ऑप्शन सी इन्फॉर्मेशन हो जाएगा। अब फ्रेंड्स हम हमारा है 22nd क्वेश्चन में हमें क्या है, पासेस है, रिसीव्स है, ट्रांसमिट्स है, सेंड्स है। अब हमें चेक करना है क्या, कौन सा वर्ड जो है ज़्यादा सूटेबल है। स्किल सेट वॉज फाउंडेड इन 2014 टू कलेक्ट एंड कोऑर्डिनेट इन्फॉर्मेशन, यहाँ पे इन्फॉर्मेशन होगा, इन्फॉर्मेशन अबाउट एजुकेशनल एक्सेस एंड क्वालिटी फॉर स्टूडेंट्स विथ स्पेशल नीड्स एंड डिसेबिलिटीज। द ऑर्गेनाइजेशन डैश थाउजेंड्स ऑफ इंक्वायरीज एवरी ईयर, तो द ऑर्गेनाइजेशन डैश थाउजेंड्स ऑफ इंक्वायरीज एवरी ईयर एंड ऑफर्स डैश देन ऑर्गेनाइजेशन डैश। तो क्या होगा फ्रेंड्स 22nd में हमारा सबसे जो सूटेबल वर्ड है वो क्या है, पासेस तो नहीं होगा, यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन पास करता है ये तो नहीं होगा, ऑर्गेनाइजेशन पास नहीं करेगा, क्या करेगा, रिसीव करता है, ट्रांसमिट तो नहीं होता, डिजिटल ट्रांसमिट सेंड तो नहीं होगा। ये हमारा राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, बी हो जाएगा, रिसीव्स, ऑर्गेनाइजेशन जो है रिसीव करता है। द ऑर्गेनाइजेशन रिसीव्स थाउजेंड्स ऑफ इंक्वायरीज एवरी ईयर एंड ऑफर्स डैश, और ऑफर करता है डैश टू द स्टूडेंट्स ऑन हाउ टू अप्लाई टू कॉलेजेस एंड यूनिवर्सिटीज अक्रॉस द कंट्री एंड हाउ टू फाइंड आउट अबाउट स्पेशल डैश एंड स्कॉलरशिप्स। द ऑर्गेनाइजेशन रिसीव्स थाउजेंड्स ऑफ इंक्वायरीज एवरी ईयर एंड ऑफर्स डैश।
ऑर्गेनाइजेशन क्या करता है, कमेंट्स तो नहीं करेगा। कंडीशंस, द ऑर्गेनाइजेशन रिसीव्स थाउजेंड्स ऑफ इंक्वायरीज एवरी ईयर एंड ऑफर्स डैश, और ऑफर क्या करता है ये हमें फिल करना है। ऑफर क्या करेगा, कमेंट को तो ऑफर नहीं किया जाता है, कमेंट्स को, कंडीशंस को भी ऑफर्स नहीं किया जा सकता है। एडवाइस को फ्रेंड्स हम लोग ऑफर कर सकते हैं, यहाँ पे सबसे सुटेबल जो वर्ड है फ्रेंड्स वो एडवाइस होगा, तो वो जो है एडवाइस होगा, एडवाइस को हम लोग ऑफर कर सकते हैं। द ऑर्गेनाइजेशन रिसीव्स, द ऑर्गेनाइजेशन रिसीव्स थाउजेंड्स ऑफ इंक्वायरीज एवरी ईयर एंड ऑफर्स एडवाइस टू स्टूडेंट्स ऑन हाउ टू अप्लाई टू कॉलेजेस एंड यूनिवर्सिटीज अक्रॉस द कंट्री एंड हाउ टू फाइंड आउट अबाउट स्पेशल डैश एंड स्कॉलरशिप्स उसमें फिल करना है फ्रेंड्स। यहाँ पे स्कॉलरशिप क्या पॉजिटिव वर्ड है तो इसका हाफ, इसका सिस्टम तो नहीं होगा, तो हाफ पार्ट भी क्या होगा फ्रेंड्स, इसका भी पॉजिटिव होगा, तो क्या पॉजिटिव फैसिलिटीज़ होगा यहाँ फ्रेंड्स। हमारा राइट आंसर फ्रेंड्स इसका ऑप्शन बी, फैसिलिटीज़ हो जाएगा, इफेक्ट्स पर्पसेस तो ये सब नहीं होगा। द ऑर्गेनाइजेशन रिसीव्स यहाँ पे रिसीव्स थाउजेंड्स ऑफ इंक्वायरीज एवरी ईयर एंड ऑफर्स एडवाइस टू स्टूडेंट्स ऑन हाउ टू अप्लाई टू कॉलेजेस एंड यूनिवर्सिटीज अक्रॉस द कंट्री एंड हाउ टू फाइंड आउट अबाउट स्पेशल फैसिलिटीज एंड स्कॉलरशिप्स वी इंश्योर, हम लोग सुनिश्चित करते हैं इजी एक्सेस टू, आसानी से पहुंच हो जाए किस पे, टू हायर एजुकेशन फॉर ऑल स्टूडेंट्स, उन सब स्टूडेंट को हो जाए जो क्या है यहाँ पे नीड्स और डिसेबिलिटीज की चर्चा हुई है ऊपर में, स्पेशल नीड्स एंड डिसेबिलिटीज, तो हम यही चाहते हैं कि ये जो है जो भी डिसेबिलिटीज है तो उनको क्या हो जाए, उनको हायर एजुकेशन जो है ईजिली उनको मिल जाए, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा स्पेशली हो जाएगा फ्रेंड्स। 25th में जैसा कि है हमारा ऑप्शन, एक्सक्लूडिंग तो नहीं होगा, यहाँ पे स्पेशली विशेषकर ये हमारा ये एडिशनली भी नहीं होगा, एक्सेप्ट भी नहीं होगा, विशेषकर क्योंकि उसकी चर्चा हो चुकी है, जो डिसेबिलिटी है इस पर ही फोकस किया जा रहा है पैसेज में, तो उसको जो है सारा फैसिलिटी क्या हो जाए इजीली अवेलेबल हो जाए, तो इसी के बारे में बात हो रही है। फाइंड आउट स्पेशल फैसिलिटीज एंड स्कॉलरशिप्स वी इंश्योर ईजी एक्सेस टू हायर एजुकेशन फॉर ऑल स्टूडेंट्स especially those with disabilities. Your donations and suggestions will help us to improve our service to customers and you will also be helping us to continue our valuable work. तो हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा स्पेशली, विशेषकर, स्पेशली इस क्वेश्चन का राइट आंसर बी इज द राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, क्योंकि इस सेंटेंस का स्टार्टिंग में ही हमारा जो है फोकस किया जा रहा है स्टूडेंट्स स्पेशल नीड्स एंड डिसेबिलिटीज इसके बारे में कर रहे थे, इसलिए यहाँ पे हमारा स्पेशली हो गया। तो फ्रेंड्स हमारा इस क्वेश्चन जो है फ्रेंड्स हमने सारा क्वेश्चन सॉल्व कर लिया। अब फ्रेंड्स आई विल
मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो. थैंक यू फॉर वॉचिंग. प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल भरत स्टडीज एंड प्रेस द बेल आइकन टू नेवर मिस माई वीडियो. बाय एंड टेक केयर.